हेलो फ्रेंड्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत ऑनलाइन एग्ज़ाम में किस प्रकार से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं, उसके बारे में आज हम आपको बतलाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको चल के कंप्यूटर में ये बतलाने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन ऑनलाइन एग्ज़ाम पर आते हैं और उनका आंसर क्या होगा और उसको कंप्यूटर में प्रैक्टिकल किस प्रकार का करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने एमएस एक्सेस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एमएस एक्सेस में किस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए। चलिए कुछ और ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं एमएस एक्सेस से रिलेटेड, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहते हैं और हिंदी में भी रहते हैं, इसलिए बेहतर ये होगा कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उस समय केवल आप हिंदी वाले क्वेश्चन आंसर बस में फोकस ना करें। जिस बुक में जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है उससे पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सी चीज़ें इंग्लिश में ही समझ में आएंगी आपको, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ने की कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन दिया गया पहला कि किसका नाम एक डेटाबेस में अद्वितीय होना चाहिए। तो इसका आंसर है टेबल का नाम एक डेटाबेस में अद्वितीय होना चाहिए, क्योंकि टेबल अगर डुप्लीकेट है तो वो बनाने ही नहीं देगा डेटाबेस में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज नॉट अ फील्ड टाइप इन एक्सेस। निम्न में कौन सा एक्सेस फील्ड का प्रकार नहीं है, मेमो, हाइपरलिंक, क्वेरी, लुकअप विजार्ड। देखिए, मेमो भी होता है जिसमें 65536 का कैरेक्टर का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, हाइपरलिंक भी होता है जिसमें हम लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं, ओएलई ऑब्जेक्ट होता है फोटो वगैरह को डेटाबेस में टेबल में स्टोर करने के लिए। लेकिन लुकअप विजार्ड एक डेटा टाइप नहीं है। लुकअप विजार्ड का इस्तेमाल किया जाता है जब हम टेबल में डेटा एंट्री कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक टेबल दी गई है, आप टेबल के डिज़ाइन व्यू में जा कर के देख लीजिए। अगर इस टेबल में हम बना लेते हैं एक डेजिग्नेशन नाम की फील्ड और इसमें हम लुकअप विजार्ड का यूज़ करते हैं, देखिए, तो ये कोई फील्ड नहीं है, है ना, ये क्या है अब भी आपको पता चल जाएगा। डेजिग्नेशन हमने यहाँ पर दे दी मान लीजिए, और यहाँ पर हमने डेजिग्नेशन दे दी, और भी जो भी डेजिग्नेशन हम देना चाहते हैं दे सकते हैं। इस तरीके से ये डेजिग्नेशन जब हम डेटा एंट्री करेंगे तो वहाँ पर आएगी, बाकी इस फील्ड का जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट ही रहेगा। लुकअप विजार्ड का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, हमने सेव कर दिया, जब टेबल में हम डेटा एंट्री करेंगे डेट और डेजिग्नेशन में आएंगे तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रदर्शित करेगा, इसके लिए लुकअप विजार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर लुकअप विजार्ड कोई एक डेटा टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंटरिंग फील्ड नेम हाउ मेनी कैरेक्टर यू कैन टाइप इन मैक्सिमम। जब आप फील्ड का नाम लिखने में अधिकतम कितने कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं, आंसर है 64। तो जब आप टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाते समय टेबल बनाने का तरीका है क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा। यहाँ पर जो आप फील्ड का नेम लेते हैं, इसकी मैक्सिमम जो ये फील्ड की जो कैरेक्टर की टोटल बिट होती है वो होती है 64 बिट। इस तरीके से इसलिए इसका आंसर होगा जो है 64। व्हाट आर द कॉलम्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल कॉल्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में कॉलम को क्या कहते हैं, तो कॉलम को जो है वो फील्ड कहा जाता है। तो एमएस एक्सेस में हम इसको कॉलम के नाम से भी बुलाते हैं, लेकिन एमएस एक्सेस में ज़्यादातर इसको फील्ड भी बोलते हैं, एम्प्लॉई आई डी, एम्प्लॉई नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये क्या कहलाती हैं, फील्ड कहलाती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप के विपरीत अधिकतम 65536 कैरेक्टर सुरक्षित रख सकता है, तो इसका आंसर होगा क्या, मेमो। तो जब हम यहाँ पर टेबल में डेटा स्टोर करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पर टेक्स्ट है, टेक्स्ट की जगह हम अगर मेमो लेते हैं तो मेमो में हम जो एंटर हो रहा है डेटा उसकी जो कैरेक्टर की साइज है वो 65536 कैरेक्टर तक का डेटा उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम टेक्स्ट लेंगे तो टेक्स्ट में हम टोटल 255 कैरेक्टर तक का डेटा बस हम स्टोर कर सकते हैं, इसलिए एड्रेस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कमेंट हो गया, ऐसी फील्ड के लिए मेमो डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा फील्ड टाइप फोटो को स्टोर करता है। तो यदि आपको एमएस एक्सेस में काम करते समय टेबल में फ़ोटो को स्टोर करना है तो ओएलई ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर एम्प्लॉय की फ़ोटो के लिए एक फील्ड ले ली और यहाँ पर हमको डेटा टाइप लेना पड़ेगा कौन सा, ओएलई ऑब्जेक्ट, और इसको हम सेव कर देंगे। जब इस टेबल में हमको डेटा एंट्री करनी पड़ेगी तो फ़ोटो में हम आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इनसाइट ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे
और इस तरीके से जो भी हमको फ़ोटो इंसर्ट करना है यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ जो हमने डेटाबेस में स्टोर करके रखी हुई है उसको हम सेव कर देंगे। ब्राउज़ बटन में क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, जहाँ भी आपने फ़ोटोज़ वगैरह सेव करके रखी हुई है उस फ़ोटो को आप यहाँ से जो है इस पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर फोटो इस तरीके से पैकेज के रूप में दिखलाई देगी, और फिर बाकी जब आप फॉर्म के रूप में इस डेटा को देखेंगे तो ये फ़ोटो भी वहाँ दिखलाई देगी, लेकिन यहाँ टेबल में फ़ोटो दिखलाई नहीं देती है। तो OLE ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ मैथड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन एम एस एक्सेस? निम्नलिखित में से कौन सा एम एस एक्सेस में नई टेबल बनाने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए क्रिएट टेबल इन डिजाइन भी ये भी तरीका है, विजार्ड के द्वारा भी बनाया जा सकता है और डेटा को एंटर करके भी बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे टेबल बनाने के तरीके में, तो टेबल बनाने के जब टेबल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो तीन तरीके होते हैं, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड, क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा। इसलिए इसका आंसर होगा तीनों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा कथन सत्य है? फॉरेन की फील्ड डोंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। फॉरेन की होती है जब हम दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं, वन टू मैनी रिलेशनशिप, तो जो मैनी वाली साइड होती है उसमें रिकॉर्ड जो है वो रिपीट होते हैं, तो रिकॉर्ड का रिपीट होना डुप्लीकेट कहलाता है। इसलिए फॉरेन की वाली जो कॉलम होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू ले सकता है, डुप्लीकेट वैल्यू ले सकता है, इसलिए ये कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि ये बोल रहा फॉरेन की फील्ड डोंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, जबकि फॉरेन की फील्ड अलाउड डुप्लीकेट वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्राइमरी की फील्ड यू कैन एंटर डुप्लीकेट वैल्यू? नो, प्राइमरी की है अगर किसी फील्ड को आपने बना दिया है उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हैं। सी है इन एन इंडेक्स्ड फील्ड यू मे और यू नॉट एंटर डुप्लीकेट वैल्यू डिपेंडिंग अपन सेटिंग। तो डुप्लीकेट वैल्यू हम इंडेक्स फील्ड में एंटर कर सकते हैं, ये सेटिंग पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स ओनली वन टाइप ऑफ डेटा इज? जो एक प्रकार का ही डेटा, डेटाबेस का पार्ट जो केवल एक टाइप का डेटा ही स्टोर करता है वो क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। कैसे? यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई थी, इस टेबल में देखिए हमने एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नंबर लेके रखा है। ठीक है, तो जब हम इसमें टेबल में डेटा एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय का नंबर ही लेंगे, तो ये कहलाता है फील्ड जो एक ही प्रकार के डेटा को एंटर करता है। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज नोन एज? संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस में क्या कहते हैं? तो संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस में टेबल कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस में टेबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी, एंटिटी टेबल का नाम कहलाता है, DBMS के अंतर्गत एंटिटी टेबल का नाम कहलाता है। डेटाबेस में किसी एंटिटी की संपूर्ण सूचना को क्या कहते हैं? डेटा, इन्फॉर्मेशन, फील्ड और रिकॉर्ड। तो इसलिए इसका आंसर हो गया रिकॉर्ड। डेटाबेस में किसी एंटिटी की संपूर्ण सूचना को, बिल्कुल संपूर्ण सूचना ये टेबल क्या हो गई, ये एंटिटी हो गया। DBMS जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी होती है DBMS की, तो उसमें टेबल के नेम को क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। उसी प्रकार से टेबल के जो ये फील्ड हैं इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, और टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड भरे हुए हैं उसको रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं या उसको टपल्स भी बोलते हैं। तो एक टेबल को क्या जाना जा सकता है? डेटाबेस में किसी एंटिटी की संपूर्ण सूचना। तो एक टेबल है जैसे एम्प्लॉय, उसकी जो संपूर्ण सूचना होगी वो क्या कहलाएगी? बिल्कुल रिकॉर्ड्स कहलाएगी। इसके लिए इसका आंसर है सही, रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो हमने कुछ ऑब्जेक्टिव देखे हैं, बाकी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।